नाउ आई एम बिकेम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। हिंदी में अगर कहें तो मैं अब मृत्यु बन चुका हूँ, इस दुनिया का अंत बन चुका हूँ। ये मेरे शब्द नहीं है, लेकिन इन्हें आपने दो लोगों के मुंह से जरूर सुना होगा। पहली बार इन शब्दों को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय कहे थे, और दूसरी बार इन्हीं दो लाइनों को एक ऐसे व्यक्ति ने उस वक्त कहा था जब उसने अपने देश के लिए एक महाशक्तिशाली हथियार का निर्माण किया था। वो महाशक्तिशाली हथियार परमाणु बम था, और उसे बनाने वाले इस व्यक्ति का नाम था ओपेनहाइमर। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर बम बनाने वाला ये व्यक्ति श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इन बातों को कैसे जानता है, और कैसे वो ठीक उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल उस समय करता है जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब की असली ताकत को जान लेता है। नमस्कार, ऐतिहासिक इतवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको इतिहास के पन्नों में छुपी एक ऐसी दास्तान बताने वाले हैं जिसे हो सकता है कि आपने कई बार सुनाया पढ़ा हो, लेकिन उसमें छुपी छोटी सी बातों को आप नहीं जानते होंगे, जो शायद कहने भर के लिए छोटी सी हैं, लेकिन उसके मायने वास्तव में बहुत बड़े हैं। तो चलिए आज हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाले जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर और भगवत गीता के बीच के कनेक्शन के बारे में बताते हैं। ओपेनहाइमर का हिंदू ग्रंथों पर विश्वास, खासकर गीता से ओपेनहाइमर कितना प्रभावित थे, इन सभी बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। भगवत गीता भारत की प्रमुख धार्मिक पुस्तकों में से एक है। अदालतों में गीता को साक्षी मानकर गवाही दी जाने की भी परंपरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे इसी धार्मिक ग्रंथ में एक यहूदी परिवार में पले बड़े दूसरे धर्म के एक व्यक्ति की इतनी आस्था थी कि गीता को वो हमेशा अपने सराहने रख कर सोया करते थे। ये उनकी हर रोज की आदत थी कि वो सोने से पहले गीता के श्लोकों को पढ़ा करते थे। हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन भगवद गीता की वास्तविक भाषा संस्कृत है, जिसे आम भारतीयों के लिए पढ़ पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन ओपेनहाइमर ने भगवद गीता को उसकी वास्तविक भाषा संस्कृत में ही पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा को भी सीखा, और फिर संस्कृत में ही गीता को पढ़ा। यकीन करना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन हमारे स्कूलों से भी अब संस्कृत भाषा मानो गायब होने लगी है। लेकिन एक वैज्ञानिक ने सिर्फ इसलिए संस्कृत को सीखा क्योंकि उसे भारत के धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता को पढ़ना था। ओपेनहाइमर को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन फिजिसिस्ट यानी भौतिक वैज्ञानिक माना जाता है, और हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा करते हैं, ना कि धार्मिक ग्रंथों पर। मगर इसके बाद भी ओपेनहाइमर ने भगवद गीता को एक अमर कृति कहा जो सदियों तक संसार के लोगों को प्रेरित करती रहेगी और उन्हें जीवन का ढंग सिखाती रहेगी। काफी हैरान करने वाली बात है कि एक वैज्ञानिक किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ में शामिल बातों को अपने जीवन में उतारता है। लेकिन हमारे ही देश के युवाओं से गीता से जुड़ी अगर सामान्य सी बातें भी पूछ ली जाएं, तो उन सवालों का जवाब शायद उनके पास नहीं होगा। ओपेनहाइमर का जन्म वैसे तो न्यूयॉर्क में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता जर्मनी से पलायन कर आए यहूदी यानी कि ज्यूइश थे। यही कारण था कि जब परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, तो उसमें पहले ओपेनहाइमर को सिर्फ एक सामान्य सदस्य के तौर पर शामिल किया गया और उनके साथ सिर्फ कुछ बातों को ही शेयर किया जाता था, लेकिन जरूरी जानकारी से उन्हें दूर ही रखा जाता था। वैसे तो ओपेनहाइमर भौतिक विज्ञान की काफी गहरी समझ रखते थे, उनकी समझ पर सवाल उठाने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन ओपेनहाइमर मानते थे कि भगवद गीता ने उन्हें जटिल मुद्दों को समझने में एक रूपरेखा प्रदान की, और उसी रूपरेखा की मदद से ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के विकास में उनकी भूमिका यानी कि उनके खुद के रोल को समझने में उन्हें मदद मिली। शायद इसी का नतीजा था कि जहां उनकी एंट्री इस प्रोजेक्ट में सामान्य सदस्य के तौर पर हुई थी, वही बाद में उन्हें इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया गया। हालांकि जब उन्होंने बम के संभावित खतरों को पहचाना, तो इसके कारण होने वाली मौतों पर गहरा खेद व्यक्त किया। यही कारण था कि जब परमाणु बम बनने के बाद इसका परीक्षण किया गया, तो जितने ताकतवर होने का इसका अंदाजा ओपेनहाइमर ने लगाया था, ये परमाणु बम उससे 50 गुना से भी ज्यादा ताकतवर निकला। और टेस्ट की जाने वाली जगह की हालत को देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से गीता में कही गई भगवान श्री कृष्ण की वो बात निकली जिसमें वो कहते हैं, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड।
क्योंकि उनके जरिए बनाए गए बम से होने वाली बर्बादी का अंदाजा ओपनहाइमर लगा चुके थे और इसका नमूना पूरी दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में भी देख लिया था। हमने ऐसा कई बार सुना है कि हमारा प्राचीन भारत आज के भारत से कई गुना शक्तिशाली था। हमारे धार्मिक ग्रंथों और किताबों में भी न जाने कितनी ज्ञानवर्धक बातें छुपी हैं। अगर हम चाहें तो हमारे धार्मिक ग्रंथों और किताबों में छुपी इन बातों से अपनी जिंदगी को और साथ ही अपने आसपास के लोगों के जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी गीता से जुड़े कोई महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं।